भारतासह महाराष्ट्रातही कोरोनाच्या नवीन व्हेरियंटनी आपला पाय पसरवायला सुरुवात केली आहे. नागपुरात देखील कोविड रुग्ण आढळले आहे. अशात प्रशासन अलर्ट मोडवर आहे. मात्र नागपूर महानगरपालिकेच्या दवाखान्यात 2 महिन्यापासून डॉक्टरच नसल्याचा खळबळजनक खुलासा राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या नगरसेविका आभा पांडे यांनी केला आहे. चौकातील नागपूर महानगरपालिकेच्या दाजी डिस्पेन्सरी येथे दररोज 50 ते 60 रुग्ण उपचाराकरिता येतात. मात्र येथे नर्स स्टाफ हा त्यांच्यावर उपचार करतो, कारण तेथे मागील 31 ऑक्टोबर पासून डॉक्टरच नाही. आज महिला आयोगाच्या सदस्य नगरसेविका आभा पांडे यांनी या दवाखान्यात जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली असता रुग्णाच्या जीवाशी खेळणारा हा महानगरपालिकेचा बोगस कारोबार समोर आला. जर रुग्णांना काही औषधबाधा झाली तर जबाबदार कोण असा प्रश्न विचारत आजच्या आज डॉक्टरांची नियुक्ती करा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा आभा पांडे यांनी दिला आहे. नागपुर महानगरपालिका के शहीद चौक में स्थित जो दाजी डिस्पेंसरी है, वहां आज जब हमने औचक निरीक्षण किया तब हमें ये पता चला कि 31 अक्टूबर के बाद वहां आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया है. यह बहुत ही गंभीर बात है कि कोविड जैसा नया वेरिएंट नागपुर शहर में जिसने दस्तक दे दी है, ये जो हॉस्पिटल जिस जोन के अंतर्गत आता है, आज उस जोन में भी 2 पेशेंट्स पॉजिटिव आए हैं. तो जब शासन इतना अलर्ट हो चुका है, अलर्ट मोड पर आ चुका है, तो आज भी नागपुर महानगर पालिका का प्रशासन आज अलर्ट मोड पर क्यों नहीं आया, ये बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने है. आज हम जब वहां पर गए, हमने पूरा हजेरी मस्टर जो होता है, जिसको हजेरी रजिस्टर कहा जाता है, वो जब हमने चेक करने का प्रयास किया तो उसमें अक्टूबर के बाद डॉक्टर है ही नहीं. वो उसका जो कॉलम है वो पूरा खाली है. जब प्रशासन से बात की तब पता चला कि वहां पर 1 नवंबर से डॉक्टर ही नहीं है. रोज उस डिस्पेंसरी में करीब करीब 50 मरीज वहां अपने इलाज के लिए आते हैं. आप सोच के देखिए कि अगर किसी मरीज को किसी जीएनएम ने अगर कोई दवाई दी, कोई रिएक्शन हो गया, उनकी कोई जीव हानि हो गई, तो इसका जवाबदार कौन रहेगा. आभा पांडेंनी आरोग्य केंद्रात दिलेल्या भेटीनंतर बाहेरील दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आलं, परंतु अद्यापही आरोग्य केंद्र हे राम भरोसेच आहे. सोबतच येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाव मिटवून आयुष्यमान आरोग्य मंदिर असे नवे नाव आरोग्य केंद्राला देण्यात आले, यावर देखील येथील नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. मैं प्रफुल्ल जैन बोल रहा हूं, ये इतवारी का ही रहने वाला हूं मैं. यहां जो ये पहली बात तो ये दवाखाना है, यहाँ गवर्नमेंट ने मंदिर लिखवा दिया. मंदिर का मतलब क्या होता है, मंदिर क्या चीज़ होती है और दवाखाना क्या चीज़ होती है, ये प्रशासन ने पहले खुलासा करना चाहिए. और दूसरी चीज़, यहाँ दवाखाने में 3 महीने से डॉक्टर नहीं है, और यहाँ पेशेंट आने के बाद पेशेंट वापस जाता है, और नर्स और कंपाउंडर के भरोसे पूरा दवाखाना चल रहा है आज 3-4 महीने से. और प्रशासन क्या कर रहा है, आज इतना बड़ा कोरोना का फिर से माहौल बन रहा है, ये हो रहा है सब, कोई देख रेख नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं है. सिर्फ अभी ये आप ये जो देख रहे हैं पूरा, ये अभी ये 15 दिन पहले पूरी पुताई हुई है, अंदर से पूरा फोकला है. और ये पूरा आरोग्य परनम धर्नम ये क्या लिख दिया, दवाखाना तो जिसने दिया है आज दाजी दवाखाना है, उसका दाजी दवाखाने का नाम ही पूरा मिटा दिए. ये अभी सवेरे आवा मैडम आई थी, मैडम आने के बाद ये सब एक्शन हो रहा है. आज वो मैडम के पास लोग इतने मैडम के पास गए कि भाई यहाँ यहाँ दवाखाने में कोई सुविधा नहीं है, कुछ उपचार नहीं होता है, तो मैडम ने अचानक इन्फेक्शन किया, उसके बाद ये सब एक्शन हो रहा है. आप ये देखिए पूरा, ये अभी मिटाने का प्रोग्राम चालू हो गया है.